वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे बीफ स्टू। आप मटन स्टू भी बना सकते हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। हम ले लेंगे प्याज, कटी हुई लहसुन, कटी हुई अदरक ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे और ले लेंगे हरी मिर्चें। इसके साथ हम ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच और एक चम्मच ले लेंगे साबुत धनिया, एक चम्मच ले लेंगे साबुत गरम मसाला, एक चम्मच ले लेंगे हम कुटी हुई मिर्च, ले लेंगे हसबे ज़रूरत सावल दाल मिर्च ले लेंगे, पिसा हुआ धनिया ले लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे हल्दी। गोश्त को हमने दिया था प्रेशर, तो गोश्त हमारा गल चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है। अब हम इसका स्टू तैयार करते हैं, तो शुरू करते हैं। हमने ली है एक कढ़ाई, उसमें डाला है ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन कटा हुआ और डाल देंगे अदरक और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च और इसे मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसे थोड़ा सा नरम करना है। मसाले हमने खड़े खड़े रखने हैं। तो ये प्याज नरम हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने आपको पहले दिखाए हैं, नमक, हल्दी, साबुत धनिया और ये डाल दिया हमने कुटी हुई मिर्च। अब डालेंगे साबुत गरम मसाला और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है और ये झटपट तैयार होने वाली है। तो मसाला तैयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। हम इसमें बीफ डाल रहे हैं, आप चाहे तो मटन भी डाल सकते हैं, मटन का भी आप बना सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे मिक्स करके दम पे लगा देंगे। अब हमने इसको कवर करके दम पे लगा दिया है, तो इतनी देर हम बना लेंगे रोटियां। और ये बन रही हैं गरम गरम रोटियां। और ये बन रही हैं हमारी मज़ेदार गरम गरम रोटियां, वो भी देसी स्टाइल में। वाह, रोटियां देख के भूख लगने लगी है। और हमारी रोटियां तकरीबन तैयार हैं और सालन भी ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ये देखें बीफ स्टू तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। साबुत धनिया को हम लेके थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये जो मसालों में हमने आपको साबुत धनिया दिखाया था, ये देखें इसको हम तवे पे डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी खुशबू उड़ जाए इतना हमने इसको भून लेना है और फिर हाथ से इसको मसल कर इस पर छिड़क देना है। हमने साबुत धनिया जो है उसको हमने भून लिया तवे पे और उसको ऐसे मसल के, तो हमने बीफ स्टू पे इसको ऐसे गार्निश कर देना है। और अब हम इसमें करेंगे हरा धनिया गार्निश।
तो हमारा बीफ स्टू रेडी है। तो ये देखें हमारा बीफ स्टू तैयार है। गरम रोटियों के साथ इसे पेश करें। बहुत इजी रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।